आज का दिन तो बहुत बोरिंग हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ था भी नहीं आज काम करने को और कहीं जाने का मन भी नहीं था। वीकेंड्स ही होते हैं जिसमें मैं रेस्ट करता हूँ। और तो यार आज मैं ऐसे सुबह सुबह न्यूज़ चेक कर रहा था तो क्रिस्टिन ओलिवर करके एक वो है एक्टर है, जर्मन एक्टर है वो ना, तो उनकी वो हरक्यूलस मूवी में भी हैं शायद, तो उनकी डॉटर है, उनका कुछ फ्लाइट क्रैश होगी और शी इज़ नो मोर। काफ़ी बैड न्यूज़ है ये, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह जैसे मैंने फ़ोन ऑन करना सबसे पहले यही दिखा गूगल पे। तो मैं, और हाँ एक और अपडेट और है, जो भी फिक्स्चर्स थे मतलब जितना भी टीम्स वगैरह थे ना वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए। और T20 वर्ल्ड कप आने वाला है 9 जून को, पहला मैच है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का। तो कुछ इस तरह से फिक्स्चर है जिसमें ग्रुप ए में है इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा एंड USA। तो इसमें तो इंडिया का सेमीफाइनल में आना पक्का श्योर है। फाइनल में भी मतलब सेमीफाइनल का मैं बोल सकता हूँ, फाइनल तो छोड़ो। और ग्रुप बी में है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नबीबिया, स्कॉटलैंड एंड ओमान। और ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, द वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान, युगांडा। और ग्रुप डी में है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड एंड नेपाल। तो ग्रुप ए तो मुझे सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग टीम अपनी इंडिया ही है, और ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और ग्रुप सी में न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान भी है, दो टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, जैसे कि उनकी परफॉर्मेंस रही है मतलब अभी जो ODI वर्ल्ड कप हुए थे उसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका की। तो इसमें तो मैं साउथ अफ्रीका ही बोलूँगा, बाकी और टीम तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड भी अच्छा है, अंडरडॉग है बट ये कर सकती है। तो देखते हैं, पहला मैच अभी इंडिया और पाकिस्तान का है 9 तारीख को। अभी ये कॉफ़ी ख़त्म करनी है और उसके बाद मैं वॉक करने जाऊँगा। तो मैं आ गया हूँ वॉक करके और मेरा आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो बाय बाय।